फोर्टीनिटीज एपिसोड 16। पिछले एपिसोड में हमने देखा जिस पिक्चर को लेकर सिंचन स्केडुलर के साथ आर्गुमेंट कर रही थी, उसी पिक्चर के लिए सोंगी क्यून ने सोंगी सू के ऊपर शक किया था और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बाद में हम देखते हैं दोनों के बीच बातचीत के दौरान कांगन ये रिवील करता है कि जब सोंगी क्यून ने रेजिग्नेशन लेटर देकर नौकरी छोड़ दी थी, तब वो मायूस होकर सिंचन के पास गया था और रोने लगा। जब ये बात सिंचन को मालूम पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि उसे जो आंसू मिली है वो कांगन की वजह से है। बाद में हम देखते हैं सिनीजंग फॉर्चून टेलर के साथ बातचीत के दौरान जब उस पर एनालाइज करती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि सिंचन हमेशा अपने होने का एहसास करवाती थी, पर बाद में जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब उसे पता चला कि जो डॉक्यूमेंट उस दिन पार्सल में आया था वो कॉफी पर्पल से किया गया था। पर जब वहाँ पर वो कांगन को देखती है, तब उसे समझ में आता है कि सिंचन को एक होस्ट बॉडी की जरूरत थी और वो सोंगी क्यून है, और ये बात कांगन को भी पता है। साथ ही साथ वो ये इन्फॉर्मेशन कांगनियों को भी देती है, जिस वजह से वो सिंचन को एक्सपोज कर देता है। बाद में हम देखते हैं कांगमिहो सोंगी क्यून को नई जगह पर काम और रहने का ऑफर करता है, क्योंकि सोंगी क्यून ने सिंचन की आत्मा को ऑलरेडी देख लिया था। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उसकी बात मान जाता है।